वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट टू। आज हम इसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट वन ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और जल्द ही मैं इसका पार्ट थ्री भी आपके लिए लेके आऊंगी। और इस वीडियो की कम्प्लीट पीडीएफ फाइल, यानी कि हमारे अक्टूबर मंथ के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री की कम्प्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट थ्री वीडियो में नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस इन अक्टूबर 2021 टू लॉन्च माइक्रो एटीएम अक्रॉस इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में पूरे भारत में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन में जो आपको दिए हैं, इनमें से किस बैंक ने अक्टूबर 2021 में पूरे भारत में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की है, ये क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कौन से बैंक ने की है? कोटक महिंद्रा बैंक ने की है। तो अब जानते हैं कि माइक्रो एटीएम होता क्या है। तो आपने बहुत जगह पे देखा होगा आधार कार्ड से, जो बोलते हैं कि आधार कार्ड से पैसे निकालना, आधार कार्ड से आप पैसे निकाल सकते हैं, तो वो किसके थ्रू निकाल सकते हैं? वो आप माइक्रो एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। जिस मशीन से आप आधार कार्ड के जरिए पैसे निकालते हैं उसको बोला जाता है माइक्रो एटीएम। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द प्राइवेट लैंडर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ माइक्रो एटीएम अक्रॉस द कंट्री, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की है। कस्टमर्स ऑफ ऑल बैंक्स हु पोजेस अ डेबिट कार्ड कैन यूज अ कोटक माइक्रो एटीएम फॉर की बैंकिंग सर्विसेज सच एज कैश विड्रॉ एंड चेकिंग अकाउंट बैलेंसेज। तो डेबिट कार्ड रखने वाले सभी बैंकों के ग्राहक कोटक माइक्रो एटीएम का उपयोग प्रमुख बैंकिंग सेवाओं जैसे कि नकद निकासी और खाते की शेष राशि की जांच के लिए कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो कोटक महिंद्रा बैंक एस्टेब्लिशमेंट 2003, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड एमडी सीईओ है उदय कोटक। किसकी बात हो रही है? कोटक महिंद्रा बैंक की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपने जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड अ बैंकिंग लाइसेंस टू डैश, तो यानी कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है। जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से किसको बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है ये आपसे पूछा गया है। तो किसको किया है इनमें से, क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है हाल ही में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड अ बैंकिंग लाइसेंस टू यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शॉर्ट में इसको बोलेंगे USFBL, which was established jointly by the Centrum Financial Services Limited and Resilient Innovations Private Limited, Bharat Pay, to carry on SFB business in India. तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को एक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिसे सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड भारत पे द्वारा संयुक्त रूप से भारत में एसएफबी व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया था। तो अभी जो हाल ही में किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया है, वो किसको किया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को किया है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या पूछा गया है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडसइंड बैंक को। तो इंडसइंड बैंक इज द राइट आंसर। इंडसइंड बैंक हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी। तो इंडसइंड बैंक ने घोषणा की है कि उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की ओर से अधिकृत किया गया है।
किसे किया गया है? इंडसइंड बैंक को किया गया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है किस बैंक को किया गया है, तो इंडसइंड बैंक को किया गया है। और with this its customer will be able to pay their direct and indirect taxes through Indus Net and Indus Mobile platform. यानी कि जो आप कस्टमर्स हैं वो इंडस नेट और इंडस मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भुगतान कर सकेंगे। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की, तो इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कृपालिया, हेडक्वार्टर है पुणे, और इसके जो ओनर है इंडसइंड बैंक के वो है हिंदुजा ग्रुप, और फाउंडर है एसपी हिंदुजा, फाउंडेड इन अप्रैल 1994 इन मुंबई। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी बैंक के रिगार्डिंग है कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिए बैंक हेडक्वार्टर, सीईओ एंड ओनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फिनटेक स्टार्टअप भारत पे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में, वो किया गया है एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार। कैसा ये आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, रजनीश कुमार इज द राइट आंसर। द फिनटेक स्टार्टअप भारत पे हैज अपॉइंटेड फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार एज द चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड। तो फिनटेक स्टार्टअप ने, भारत पे ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। द फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन विल वर्क क्लोजली विद द टॉप ऑफिशियल ऑफ द कंपनी ऑन की बिजनेस एंड रेगुलेटरी इनिशिएटिव। ही विल आल्सो टेक पार्ट इन डिफाइनिंग भारत पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। तो एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष प्रमुख व्यवसायिक और नियामक पहलों पर कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह है एसबीआई के पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं, एज अ चेयरमैन कुमार व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी, आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं हम भारत पे की, तो सीईओ कौन है भारत पे की, अश्नी ग्रोवर, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और फाउंडेड इन 2018। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, भारत पे की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली एग्रीड टू प्रोवाइड $200 million लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। किस देश की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा किर्गिजिस्तान। क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है सही आंसर, ये है किर्गिजिस्तान। तो इंडिया अनाउंस्ड अ $200 million लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ किर्गिस्तान एंड साइन एन एग्रीमेंट टू कैरी आउट स्मॉल बट हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इन द सेंट्रल एशिया स्टेट। तो भारत ने किर्गिस्तान के लिए $200 million की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है, और मध्य एशियाई राज्य में सामुदायिक विकास के लिए छोटी लेकिन उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि द टू इनिशिएटिव वर रॉन्ग सेवरल measures announced by External Affairs Minister S. Jaishankar at the end of a two-day visit of Kyrgyzstan. तो किर्गिस्तान की दो दिवसीय यात्रा के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा घोषित कई उपायों में से ये दो पहले शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड सक्सेस कैंपेन अंडर द कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। तो ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने सक्सेस अभियान शुरू किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। पंजाब नेशनल बैंक हैज लॉन्च सक्सेस कैंपेन अंडर अ कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विस एट अ कंसेशनल रेट ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। तो पंजाब नेशनल बैंक ने त्योहारी सीजन के दौरान रियायती दर पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत
6S कैंपेन शुरू किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6S? तो यहाँ पे 6S कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कैंपेन है, स्कीम है, लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, तो 6S में हो जाएगा स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क एंड शिखर, संकल्प एंड स्वागत। तो क्या है 6S में? 6S में है स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर, संकल्प और स्वागत को समाहित करता है 6S स्कीम। लॉन्च किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने इसे लॉन्च किया है। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एमडी सीईओ है एसएस मल्लिकार्जुन राव, फाउंडेड इन 19th of May 1894 इन लाहौर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हैज बैक टू नेशनल अवार्ड्स रिसेंटली, हु इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, KVGB। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को हाल ही में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बैंक ऑफ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB का प्रायोजक कौन सा बैंक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा केनरा बैंक। केनरा बैंक जो है वो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB स्पॉन्सर्ड बाय केनरा बैंक हैज बैक 2 नेशनल अवार्ड्स APY बिग बिलीवर्स एंड लीडरशिप कैपिटल फॉर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना APY फ्रॉम द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। तो केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार APY बिग बिलीवर्स योजना और के तहत APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल प्राप्त किए हैं। किस बैंक ने प्राप्त किए हैं? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने ये प्राप्त किए हैं। और इसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है? स्पॉन्सर बैंक है इसका केनरा बैंक। बात करें हम कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की, तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक फाउंडेड इन September 12, 2005 और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ कर्नाटका में और चेयरमैन है पुट्टगंटी गोपी कृष्णा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक टू कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सा बैंक बन गया है? वो बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा बैंक बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। Kotak Mahindra Bank Limited has received approval from the government for the collection of direct and indirect taxes such as income tax, goods and service tax, GST etc. through its banking network. तो private sector bank की बात हो रही है, तो वो बन गया है Kotak Mahindra Bank, ठीक है? तो Kotak Mahindra Bank Limited को अपने banking network के माध्यम से direct और indirect taxes जैसे आयकर यानी कि इनकम टैक्स और GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आदि के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। किस बैंक को? कोटक महिंद्रा बैंक को। विद दिस द बैंक बिकम्स द फर्स्ट शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक टू रिसीव अप्रूवल आफ्टर द अनाउंसमेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अलाउइंग ऑल बैंक्स टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस। तो इसके साथ ही बैंक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सभी बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसाय में भाग लेने की घोषणा के बाद अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, एस्टेब्लिशमेंट 2003, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, MD CEO उदय कोटक और टैगलाइन है इसका लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या टैगलाइन है? लेट्स मेक मनी सिंपल। किसका? कोटक महिंद्रा बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स एंट्री इनटू द बाय नाउ पे लेटर यानी कि BNPL कैटेगरी विद द लॉन्च ऑफ पोस्ट पे। तो क्या पूछा गया है कि किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में पोस्ट पे के लॉन्च के साथ बाय नाउ पे लेटर श्रेणी में प्रवेश की घोषणा की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो है भारत पे। क्या है? भारत पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिनटेक कंपनी भारत पे अनाउंस इट्स एंट्री इनटू द बाय नाउ पे लेटर कैटेगरी विद द लॉन्च ऑफ पोस्ट पे। द न्यू प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स क्रेडिट टू कस्टमर्स टू बाय नाउ
बाय नाउ बट पे लेटर फ्रॉम एनीवेयर। तो फिनटेक कंपनी भारत पे ने पोस्ट पे के लॉन्च के साथ ही बाय नाउ पे लेटर श्रेणी में प्रवेश की घोषणा की है और नया प्लेटफॉर्म ग्राहकों के लिए अभी खरीदारी करने और बाद में ही कहीं से भी भुगतान करने का क्रेडिट प्रदान करता है। क्या मीनिंग है बाय नाउ पे लेटर का, कि अभी भी खरीदारी करें और कहीं से भी इसका पेमेंट करें बाद में। किसने लॉन्च किया है? भारत पे ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कस्टमर यूजिंग द पोस्ट पे प्लेटफॉर्म कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड अवेल इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट ऑफ अप टू ₹10 lakh। द कंपनी सेड टू पोस्ट पे इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बिग टिकट परचेजेस बट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर माइक्रो परचेजेस मेकिंग इट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पोस्ट पे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले कस्टमर्स हैं वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त क्रेडिट सीमा का लाभ उठा सकते हैं। और कंपनी ने यह भी कहा है कि पोस्ट पे केवल बड़ी टिकट खरीद तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका उपयोग सूक्ष्म खरीद के लिए भी किया जा सकता है, जो इसे अपनी तरह का पहला बनाता है। किसकी बात हो रही है? पोस्ट पे की। जो किसने और किसने लॉन्च किया है बाय नाउ पे लेटर? भारत पे ने। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। बात करें भारत पे की, तो भारत पे के सीईओ अश्विनी ग्रोवर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली फाउंडेड इन 2018। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भारत पे की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Indel Money has tied up with which bank for the first gold loan cum lending partnership? तो Indel Money ने पहली gold loan सह उधार साझेदारी के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो Indel Money ने पहली gold loan सह उधार साझेदारी के लिए IndusInd Bank किसके साथ किया है? IndusInd Bank के साथ समझौता किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, IndusInd Bank। Indel Money has tied up with the IndusInd Bank for a gold loan co-lending partnership to offer gold loan and at competitive rates. यानी कि Indel Money ने प्रतिस्पर्धी दरों पर gold loan देने के लिए gold loan co-lending partnership के लिए IndusInd Bank के साथ करार किया है और IndusInd Bank will take into its book 80% of the gold loan generated by the co-lending arrangement. While the remaining 20% will be funded by Indel Money. यानी कि IndusInd Bank सह उधार व्यवस्था से उत्पन्न गोल्ड लोन का 80% अपनी पुस्तक में लेगा, जबकि शेष जो 20% है वो Indel Money द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं, द पार्टनरशिप विल स्टार्ट ऑन ए पायलट बेस बिफोर एक्सपेंडिंग अक्रॉस द कंट्री। यानी कि साझेदारी पूरे देश में विस्तार करने से पहले पायलट आधार पर शुरू होगी। बात करें Indel Money की, तो Indel Money के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ है उमेश मोहनन। कौन है? उमेश मोहनन। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? Indel Money की। बात करें IndusInd Bank की, तो IndusInd Bank का हेडक्वार्टर है पुणे में और सीईओ है सुमन कटपालिया। टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। फाउंडर एसपी हिंदुजा, फाउंडेड इन अप्रैल 1994 इन मुंबई। यह है IndusInd Bank और ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है वो दिया है Indel Money का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एनएवीई कैश कार्ड ऑन आईएनएस विक्रमादित्य द लार्जेस्ट नवल एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर एनएवीई कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने की है? वो की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई जो है इसका सही आंसर है। तो एसबीआई हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एसबीआई एनएवीई कैश कार्ड ऑन आईएनएस विक्रमादित्य द लार्जेस्ट नवल एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। द न्यू जर्नी एनविजन फॉर द कार्ड इज सेट टू चेंज द पेमेंट इकोसिस्टम व्हाइल द शिप इज सेलिंग विद नो डिपेंडेंसी ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कैश टू अवेल एनी ऑफ द सर्विसेज ऑन बोर्ड। तो क्या बोला गया है कि एसबीआई ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर एसबीआई का एनएवीई कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है और कार्ड के लिए परिकल्पित नई यात्रा भुगतान इकोसिस्टम को बदलने के लिए तैयार है, जबकि जहाज बोर्ड पर किसी भी सेवा का लाभ उठाने
के लिए किसी भी प्रकार की नकदी के उपयोग पर निर्भरता के बिना नौकायन कर रहा है। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है SBI ने। क्या किया है? NAV eCash का। कहां पे किया है? तो INS विक्रमादित्य। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए हैं, द न्यू NAV eCash कार्ड विल फैसिलिटेट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन, द कार्ड विल ऑब्विएट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पर्सनल ऑनबोर्ड इन हैंडलिंग फिजिकल कैश ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ द शिप एट हाई सीज। तो नया NAV eCash कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। कार्ड समुद्र में जहाज की तैनाती के दौरान भौतिक नकदी को संभालने में जहाज पर कर्मियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बात करें SBI की, तो SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1 July 1955, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA फॉर 2021-22। तो 21-22 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के नए अध्यक्ष, नए नियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं IBA के 2021-22 के लिए? वो बन गए हैं AK गोयल। कौन बन गए हैं? AK गोयल। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है AK गोयल। तो AK गोयल MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन फॉर 21-22। तो यूको बैंक के MD और CEO हैं AK गोयल, जिन्हें 2021-22 के लिए IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करें इंडियन बैंक एसोसिएशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड फाउंडेड इन 26 September 1946। इसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है इंडियन बैंक एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी टू ऑपरेट एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में काम करने के लिए कंपनी के लिए न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली फंड आवश्यकता क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ₹2 करोड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ₹2 करोड़, 2 करोड़ रुपए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL द लाइसेंस टू रजिस्टर एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC। द लाइसेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट SARFESI एक्ट 2002। तो क्या बोला गया है कि RBI ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में पंजीकरण करने का लाइसेंस दिया है, और लाइसेंस वित्तीय अस्थियों पर प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम की धारा 3 के तहत दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में काम करने के लिए कंपनी के लिए न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली फंड आवश्यकता क्या है, यानी कि व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट फॉर ए कंपनी टू ऑपरेट एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो क्या है मिनिमम नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट? वो है 2 करोड़ रुपए। क्या सही आंसर है? ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपए। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। As per section 3 of the SARFAESI Act, a company can carry the business of asset reconstruction only after obtaining a certificate of registration from RBI, having the own fund of not less than rupees 2 crore or such other amount not exceeding 15% of total financial asset acquired or to be acquired by the securitization company or reconstruction company. यानी कि जो SARFAESI Act है, इसकी धारा 3 के अनुसार एक कंपनी केवल RBI से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही संपत्ति पुनर्निर्माण का व्यवसाय कर सकती है, और जिसके पास 2 करोड़ रुपए से कम की स्वामित्व वाली निधि नहीं है। बात करें RBI की, तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1 April 1935। किसकी बात हो रही है? RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी हैज टॉप्ड द फोर्ब्स लिस्ट, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट इन 2021 टू रिटेन हिज पोजीशन एज द वेल्थीएस्ट इंडियन फॉर द डैश कंसेक्यूटिव ईयर। तो क्या पूछा गया है कि मुकेश अंबानी ने डैश लगातार वर्ष के लिए सबसे धनी भारतीय के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए 2021 में फोर्ब्स इंडिया रिच सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, आपको ये दिए हैं कौन सी बार, ठीक है, तो कौन सी है, 14th इज द ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज टॉप द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट फॉर 2021 रिलीज, द लिस्ट रैंक्स इंडियाज 100 richest इंडियंस, he has retained his position as the wealthiest Indian for the 14th consecutive year on the Forbes India list since 2008. तो मुकेश अंबानी 14वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, और इसके बाद कौन है, गौतम अडानी और शिव नादर जो है वो थर्ड पे हैं। फर्स्ट पे कौन है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी एंड शिव नादर। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया 2021 की रिच लिस्ट में टॉप पर हैं, और सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है। उन्होंने 2008 के बाद से फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो टॉप में अगर पूछा जाए तो वो है मुकेश अंबानी, सेकेंड में गौतम अडानी है, और थर्ड में है शिव नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली इनहेंस्ड द क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल्स 2019-30 फॉर डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज DMCs, व्हाट इज द न्यू गोल। तो एशिया विकास बैंक ने हाल ही में विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण लक्ष्यों 2019 से 2030 को बढ़ाया है, और नया लक्ष्य क्या है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका नया लक्ष्य क्या हो जाएगा, इसका जो नया लक्ष्य है, नया गोल है, वो है $100 billion। कितना है, $100 billion जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। द ADB हैज अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल्स 2019-30 फॉर डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज बाय $20 billion टू $100 billion। यानी कि ADB ने विकासशील सदस्य देशों के लिए अपने जलवायु वित्त पोषण लक्ष्यों को 2019 से 2030 में $20 अरब से बढ़ाकर $100 अरब करने की घोषणा की है। किसने की है, ADB ने, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देख सकते हैं, इससे पहले भी 2018 में ADB ने 2019 से 2030 के दौरान एशिया में विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण के लिए $80 बिलियन के लक्ष्य की घोषणा की थी। बात करें ADB की, तो ADB की प्रेसिडेंट है मासुहस कावा, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। इसकी बात हो रही है यहाँ पे ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज पर द वर्ल्ड बैंक इन द फिस्कल ईयर 2021-22। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है, किसने बताया है ये, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक के अनुसार है, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितनी है, 8.3% इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड इंडियास रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द करंट फिस्कल ईयर 21-22 टू ग्रो बाय 8.3% इन इट्स लेटेस्ट इकोनॉमी अपडेट फॉर साउथ एशिया। तो वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया के लिए अपने नवीनतम आर्थिक अध्ययन चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP के 8.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है ये, वर्ल्ड बैंक ने लगाया है 2021-22 के लिए। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं ये वीडियो को पॉज करके। और GDP जो है हमेशा टाइम टाइम पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चेंज होती रहती है, तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं मेरा करंट वीडियो देख के जरूर जाएं, क्योंकि ये करंट में जो करंट अपडेट होता है उसी से क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन सही होता है, तो आप लोग करंट वीडियो देख के जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रेट ऑफ GDP ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 एज पर द IMF। तो IMF के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए GDP वृद्धि की अनुमानित दर क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। किसके जरिए पूछा गया है, IMF ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फुल फॉर्म है IMF का। तो क्या है IMF के द्वारा जो अनुमानित दर है वो है 9.5
9.5%, क्या है 9.5%। The International Monetary Fund has estimated the Indian economy to grow by 9.5% in the current fiscal year 21-22 and 8.5% in financial year 23 in its latest World Economic Outlook report released on October 12, 2021. तो IMF ने 12 अक्टूबर 2021 को जारी अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.5% यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23 में 8.5 से बढ़ने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? IMF ने लगाया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। बात करें IMF की, तो IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में और इसके MD एंड चेयरमैन है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। सही आंसर है इसका पूरा ये, आप इसको जरूर याद करिए रिगार्डिंग द एग्जाम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है IMF के हेडक्वार्टर्स और चीफ इकोनॉमिस्ट और MD एंड चेयरमैन। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।